हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है, और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। न जाने कौन सी गंदी राजनीति का एक उदाहरण देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और ये बदला मुझे लगता है ये लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या हम आम आदमी पार्टी के लोगों से नहीं ले रहे हैं, ये भाजपा ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। आज दिल्ली का बजट आना था और बजट को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा ही नहीं किया उन्होंने। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। आज देखिए केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए।